मित्रों, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना इंसान के लिए एक सपना सा हो गया है। हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, हर हाल में खुश रहना एक कला है, क्योंकि आजकल के समय में हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां जरूर होती है, और उन्हीं परेशानियों में खुश तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों वैसे लोग खुश नहीं रह पाते हैं, क्यों हम खुश नहीं रह पाते हैं, आखिर हमारे भीतर ऐसी कौन सी कमी है जिससे हमारी खुशी छिन गई है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि इसके विपरीत है। उन्हीं परेशानियों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुश रहते हैं, जिनके जीवन में हमेशा आनंद रहता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो वैसे लोग ज्यादातर अपने आप से जुड़े रहते हैं। वैसे व्यक्ति के जीवन में करुणा और दया होती है, उनके जीवन में खुशी स्वाभाविक रूप से आती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में खुशी और दया जैसे गुण होते हैं, उनके जीवन में खुशी स्वाभाविक रूप से आती है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आखिर करुणा क्या होती है। करुणा की बात तो हम सभी करते हैं कि करुणामयी बनो, अपने भीतर करुणा के गुण को लाओ, अपने भीतर करुणा लाओ। इसका सीधा सा जवाब है कि किसी के दुख या कष्ट को देखते ही बिना किसी सोच विचार के उसकी सहायता कर देना, यही करुणा है। जैसे किसी व्यक्ति को सर्दी में ठिठुरते हुए देखते ही बिना सोचे विचारे उसे अपनी चादर दे देना, या किसी व्यक्ति को भूखे देखते ही बिना सोचे समझे अपनी भोजन उन्हें दे देना, उसको अपनी कंबल दे देना, या भूखे को देखकर अपना भोजन दे देना बिना किसी सोच विचार किए कि मेरा क्या होगा, यही करुणा होती है। और इस तरह की भावना अगर आप अपने भीतर ले आते हैं या आप दयालु बन जाते हैं, तो उस वक्त आपके पास जो कुछ भी खुशी होगी वह खुशी आपके भीतर की होगी। करुणा व्यक्ति में दूसरे के दुख, तकलीफ या कष्ट के प्रति सम्भूति और प्यार को व्यक्त करती है। ये एक पवित्र भावना है जो हमारी महत्व और सहजता का प्रतीक होती है। एक होता है दयालु बनना और एक होता है दयालु होना। अगर वास्तव में देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए इसे बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से समझेंगे, और इस कहानी के अंत में आप ना खो जाए इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। एक कहानी जो बुद्ध से जुड़ी हुई है, इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर बुद्ध इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर इस छोटी सी कहानी को आपने समझ लिया तो मेरी बात मानो, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, दुख आपके जीवन से कोसों दूर हो जाएगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर समझे। एक समय की बात थी, रात्रि का समय था। सारा दिन गुजरने के बाद बुद्ध और उनके सभी भिक्षु रात्रि विश्राम के लिए एक सुरक्षित जगह खोज चुके थे। किसी कारणवश उस रात चंद्रमा की चांदनी थी, इसी वजह से हर एक वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सभी भिक्षुओं ने एक लंबा सफर तय किया था, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। और उस समय की ये बात बहुत सच है कि बुद्ध के साथ होने से किसी को थकावट नहीं होती थी। दिन भर सभी लोग भ्रमण किए और भ्रमण करते करते एक जगह पर जाकर बैठे। शाम हो चुकी थी। बुद्ध के एक भिक्षु ने बुद्ध से प्रश्न पूछने की विनती की। फिर भिक्षु ने कहा, हे बुद्ध, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना था, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। भिक्षु की ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहें, पूछो, जो भी तुम्हारे प्रश्न है जरूर पूछो, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। भिक्षु पूछते हैं कि हे बुद्ध, वास्तविक में धार्मिक कौन है। ये बातें सुनकर एक अन्य भिक्षु खड़े होकर बोलते हैं कि जो ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, वही धार्मिक है। भिक्षु की ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ध्यान करता हो या जो पूजा पाठ करता हो सिर्फ वही धार्मिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान करने में, पूजा पाठ करने में किसी प्रकार का स्वार्थ छुपा होता है। ध्यान करना और पूजा पाठ करने में स्वार्थ की जगह है जो हमें दिखती नहीं है। वहां मनुष्य स्वार्थी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की भौतिक इच्छाएं जल्दी मिटती नहीं है, और उन्हीं भौतिक इच्छाओं की वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहां मनुष्य स्वार्थी हो सकता है। बुद्ध की ये आश्चर्य वाली बातें सुनकर उनके भिक्षु तुरंत बोले कि हे बुद्ध, तो हम कैसे समझे कि कोई मनुष्य धार्मिक है या नहीं, क्योंकि आज तक मैंने यही समझा था कि ध्यान करना, पूजा पाठ करना, यही धार्मिक है।
फिर बुद्ध बोले, इसे समझना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसे एक छोटी सी कहानी से समझो। एक बार की बात है, किसी एक गांव में मेला लगा हुआ था। दुर्भाग्यवश उस मेले के पास एक छोटा सा कुआं था। मेले में आए बहुत से व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गलती से उस कुएं में गिर गया। गिरने के बाद वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है। लेकिन वहां भीड़ होने की वजह से कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। मेले में सभी दुकानदार लोग अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे। मेले में घूमने वाले सभी लोग घूमने में व्यस्त थे। समय बीतते बीतते शाम हो चुकी थी, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आया। शाम का वक्त था। एक सन्यासी वहां से गुजर रहा था, जिसे ना तो इस संसार से कोई मतलब था और ना ही इस मेले से। जब सन्यासी वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने उस व्यक्ति की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि जमीन के नीचे से कोई बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ये सुनते ही वह दौड़कर कुएं के पास गए और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो सहायता के लिए चिल्ला रहा है। फिर सन्यासी ने उनसे कहा कि अरे ओ, तुम इस कुएं में बेवजह से नहीं गिरे हो, जरूर ये तुम्हारे पिछले कुकर्मों का फल है। तुमने अपने पहले के जीवन में जरूर कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसका फल तुम्हें अभी मिल रहा है, जिसे तुम इस जन्म में भोग रहे हो। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मदद करने से तुम्हारे पाप कर्मों के फल मुझे भी मिले, इसलिए मैं तुम्हारे ये कर्मों के फलों में भागीदारी नहीं बनूंगा। भाई साहब, मुझे क्षमा करो, वैसे भी मेरी साधना का समय हो चुका है। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चला जाता है। शाम बीतते जा रही थी, तभी सौभाग्य से एक थका हारा किसान अपने खेतों से काम करके वापस आ रहा था। उस जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने भी उस व्यक्ति की आवाज सुनी। उन्हें भी लगा कि जमीन के नीचे से कोई चिल्ला रहा है। जैसे ही उसने आवाज सुनी, वह दौड़कर उस कुएं के पास जाता है और देखता है कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। उस व्यक्ति को देखते ही किसान ने बिना सोचे समझे उनसे कहा कि भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर जरूर निकालूंगा। मेरे पास एक रस्सी है, लेकिन हो सकता है कि यह रस्सी टूट जाए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी धोती पकड़ाता हूँ, तुम इस धोती को पकड़कर ऊपर आ जाना। इतना कहने के बाद बिना सोचे समझे वह किसान अपनी धोती को खोलकर उस व्यक्ति को देता है और उन्हें कुएं से बाहर निकाल ले आता है, और इस तरह उस व्यक्ति की जान बच जाती है। यहीं पर कहानी को समाप्त करते हुए बुद्ध ने कहा, अब कुछ समझ में आया कि वास्तव में इस दुनिया में धार्मिक कौन है। बुद्ध फिर बोले कि धार्मिक वे लोग हैं जिनके हृदय में दया होती है, करुणा होती है, और वैसे लोग जो दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस कर सकता है। इतना कहने के बाद बुद्ध थोड़ी देर शांत हो जाते हैं और फिर दोबारा से कहते हैं कि अब यहाँ पर आपको महसूस करना है कि आपका हृदय भी किसी को दर्द में देखकर तड़प उठता है। अगर ऐसा है तो आप एक धार्मिक व्यक्ति है, और एक धार्मिक व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसके भीतर दया की भावना होती है, करुणा होती है। आजकल के मनोवैज्ञानिक रिसर्च से ये पता चला है कि एक दयालु व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, और वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि दयालु बनने से इंसान को और भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। माना जाता है कि इससे आपका जीवन काल भी बढ़ सकता है, इसीलिए जीवन में करुणा और दया की भावना रखें। अगर ये भावनाएं आपके भीतर है तो इस दुनिया में आपसे बड़ा धार्मिक, आपसे बड़ा सुखी और आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दया और करुणा एक ऐसी भावना है जो निस्वार्थ रूप से काम करती है, और बिना स्वार्थ वाला जीवन एक सुखी जीवन होता है। स्वार्थ के अभाव में एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के लिए समर्पित होता है और उन्हें मदद, सहायता और प्रेम के साथ निभाता है। यह स्वार्थहीनता और सामरिकता का भाव होता है जो संबंधों में आपसी समझ, सहयोग और समरसता को बढ़ाता है। इस प्रकार का जीवन व्यक्ति को संतोष, आत्मसम्मान और सुख का अनुभव करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। महापुरुष लोग बताते हैं कि दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। दया और करुणा की भावना से आपके भीतर विनम्रता आएगी, और एक विनम्र परिवर्ती का व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आसानी से उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। और वास्तव में कहा जाए तो विनम्रता ही मानव को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाती है। इस प्रकार के जीवन से उन्हें शांति, स्थिरता और आनंद की अनुभूति कराता है। जीवन में स्वार्थ के प्रति आसक्ति और अहंकार कम होता है।
इसलिए खुशी और संपन्न जीवन जीना है तो अपने भीतर की करुणा को पहचानिए, अपने भीतर की दयालुता को पहचानिए, क्योंकि दया और करुणा की भावना रखने से हम दूसरों के दुख और कष्ट को समझ सकते हैं और उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। यह हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत और मधुर बनाता है और हमें एक साथ विकास करने की क्षमता प्रदान करता है। दया और करुणा की भावना अपने आप में हमें आनंद और संतोष का अनुभव कराती है। जब हम दूसरों के लिए भावुक होते हैं और उन्हें मदद करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा मन शांत और पूर्णतः हर्षित होता है। इसलिए अपने जीवन में दया और करुणा की भावना रखना वास्तव में खुश रहने का एक महत्वपूर्ण और सार्थक तरीका है। अपने भीतर की दयालुता को पहचानिए, एक विनम्र व्यक्ति बने, फिर आप देखेंगे कि आप एक धार्मिक व्यक्ति बनते जा रहे हैं। आप जीवन में हर क्षण आनंद महसूस कर रहे हैं। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपके क्या विचार है, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।